बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी एग कटलेट्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चले जी शुरू करते हैं। आलू उबाइल किए हुए आलू हैं, इनका छिलका मैंने उतार के रख लिया था, उबाइल किया हुआ है मैंने। सुरख कुटी दड़ा मिर्च, चिल्ली फ्लिक्स, गरम मसाला पिसा हुआ, जीरा साबुत, कुटा हुआ धनिया, ऑयल, नमक हसब ज़रूरत, 6 अदद अंडे उबले हुए, इनको मैंने उबाइल किया, इनका भी छिलका उतार के मैंने रख लिया। हरी मिर्च, सब्ज़ वाली मिर्ची है ये, 2 से 3 अदद, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हल्दी पाउडर, घी, 2 अदद अंडे, बेसन, ब्रेड क्रम्स। बोल में रख दिया, 1 किलो आलू उबले हुए आलू हैं ये, इनको मैं मैश कर लूँगी। आलूओं को अच्छे से मैश कर लूँगी मैं, इस आप चाहे चम्मच की मदद से भी कर लीजिए या हाथ से कर लीजिएगा। आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया, मसाले डालती हूँ मैं। सुरख कुटी दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, मसाले कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक, नमक हसब ज़रूरत, पिसा कुटा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ धनिया, बेसन 2 टीस्पून, इसको करूंगी मैं अच्छे से मिक्स। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको मैं उठाऊंगी साइड पे रखूंगी। आप चाहे तो घर में डबल रोटी हो ना उसके भी ग्रम्स बना सकते हैं। मैंने बाज़ार से मंगाए हैं, मेरे पास डब्बा रोटी नहीं थी, मैंने बाज़ार से मंगा ली। 2 अंडे, 2 अंडे लिए हैं, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से 3 भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से फेंट लेंगे अंडों को। बनाना शुरू करती हूँ मैं। ऑयल हाथों पे लगाऊंगी मैं, ऑयल ऐसे ऐसे हाथों पे ऑयल लगा के ऐसे, ऐसे ऐसे अंडा पकड़ना ऐसे। ये कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, देखिए ये बिल्कुल आसान है। देखिए गोल गोल से ऐसे सारे मैंने एग्स बॉल बना के रख लिए हैं, तो चूल्हे पे रखूँगी कढ़ाई में। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, घी डालूँगी इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर घी गर्म होता है, फिर मैं इसको ना एग बॉल्स को फ्राई करूँगी। पहले मैं इसको अंडे में डिप करूँगी,
ऐसे अंडे में ऐसे डिप करना है, फिर इसको ग्राम्स के अंदर ऐसे ऐसे इसको ऐसे घी के अंदर फ्राई करना लो आंच पे। एक साइड से ये पक चुका है, साइड चेंज करती हूँ मैं इसकी ना। अब ये तैयार हैं, इनको मैं निकाल लूंगी, ये पक चुके हैं। इसी कलर में बिल्कुल ज्यादा नहीं पकाना वरना कलर खराब हो जाएगा। प्लेट के अंदर रखूँ इसको मैं। अब ये मुकम्मल तैयार है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।